वेलकम बैक टू ऑनलाइन लर्निंग ऑफ हिंदी। पिछली बार हमने पाठ एक वाचन मेला पढ़ा था। उसमें हमने बहुत अलग अलग पुस्तकों की जानकारी प्राप्त की थी और आपको उससे संबंधित कुछ प्रश्न गृह कार्य के लिए दिए थे। उम्मीद करती हूँ आप सबने किया होगा। बच्चों, आज हम कविता का अध्ययन करने वाले हैं। कविता का नाम है फूल और कांटे और इसके लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद। इस कविता में कवि ने हमें फूल के महत्व को समझाया है। अपने अच्छे गुणों के कारण उसे लोग आदर देते हैं और उसका सम्मान करते हैं। इस बारे में हमें शिक्षा दी है और कांटे का अस्तित्व उसके बुरे कर्मों के कारण लोग उसे पसंद नहीं करते, इस बात की भी जानकारी दी है। चलो बच्चों, अब हम कविता की ओर बढ़ते हैं। कविता की पहले परिच्छेद की पंक्तियां ध्यानपूर्वक देखिए। है जन्म लेते जगा में एक ही पौधा उन्हें है पालता। रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। हाँ तो बच्चों, इन पंक्तियों का अब हम अर्थ समझेंगे। इन पंक्तियों में कवि बता रहे हैं कि एक ही पौधे में फूल और कांटे दोनों जन्म लेते हैं और दोनों की परवरिश वही एक पौधा करता है। और बच्चों, चंद्रमा भी जब रात होती है तो अपनी चांदनी का प्रकाश दोनों पर एक जैसा ही डालता है। कहने का मतलब ये है बच्चों कि दोनों को एक ही जैसा परिवेश मिलता है, दोनों का पालन पोषण एक जैसा होता है। बच्चों, अब दूसरे परिच्छेद की ओर ध्यान दीजिए। मैं है उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं हैं वही, पर सदा ही यह दिखता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। यहाँ पर बच्चों, कवि हमें बता रहे हैं कि मैं है मतलब बरसात में बादल उन पर एक सी ही बारिश करता है और पर्यावरण में जो हवाएं हैं वह उन पर एक सी ही बहती हैं। पर बच्चों, हम देखते हैं और हमेशा से देखते आए हैं कि फूल और कांटे दोनों का काम करने का तरीका अलग अलग होता है और दोनों में बहुत ही अंतर होता है। दोनों को सामान्य रूप से बारिश मिलती है, दोनों पे हवाएं भी समान रूप से चलती हैं,
बढ़िया अंतर हम देखते हैं। तीसरे परिच्छेद में बच्चों, काटा किस तरह अपने कार्यों के द्वारा लोगों को हानि पहुंचाता है, उस पर कवि ने प्रकाश डाला है। छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वर वसन, प्यार में डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का है वेद देता श्याम तन। यहाँ पर बच्चों कवि हमें बता रहे हैं कि उंगलियों में काटा छेद कर देता है और किसी व्यक्ति के सुंदर वस्त्रों को फाड़ देता है और जो तितलियाँ फूलों पर बैठी हुई हैं उन प्यारी तितलियों के पंखों को खरोच कर लहूलुहान कर देता है और भौरा जो बैठा रहता है फूल पर रसपान करने के लिए उसके शरीर को भी वो चुभो देता है, उन्हें तकलीफ देता है। बच्चों हमने आज फूल और कांटों के समान पालन पोषण और कांटों के कार्यों की चर्चा की। धन्यवाद।